नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस टाटा नैनो की वीडियो के अंदर हम जानेंगे टाटा नैनो के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्योंकि अक्सर आप लोगों का सवाल मुझसे पूछा जाता है कि मिंटू भाई, हमारी जो टाटा नैनो है उसका जो ब्रेक पैनल है उसका ट्रैवल काफी ज्यादा है। यानी कि ये जो आप ब्रेक पैनल आप नैनो का जो देख रहे हैं, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये ज्यादा प्रेस होने के बाद ही जो ब्रेक है वर्क करती है, वो भी उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाती है। इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि कुछ मैकेनिक्स आपको बताते हैं कि सर आपके जो व्हील, आपका जो मास्टर सिलेंडर है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ आपको ये बताते हैं कि आपका जो व्हील सिलेंडर है उसमें प्रॉब्लम है, कुछ आपको ये बोलते हैं कि आपके जो ड्रम्स है उनको क्लीनिंग कराने की आवश्यकता है, कुछ आपको ये भी बता देते हैं कि जो ब्रेक शू है वो ही खत्म हो चुकी है, उसको चेंज कराने की आवश्यकता है। तो अब आज की वीडियो में हम यही बात जानेंगे कि आप कैसे पहचान पाएंगे कि जब ये कमी आपकी टाटा नैनो के अंदर आती है, आपका ब्रेक का जो पैंडल है उसका ज्यादा ट्रेवल करने की, यानी कि उसको ज्यादा जोर से प्रेस करना पड़ता है, तो क्या क्या कमियां इसमें है जो निकल के आ सकती है। तो प्लीज आज की वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मिंटू और आप इस वक्त है अपने ही चैनल मिंटू रोडस्टर पर। तो चलिए अब मैं सबसे पहले आपको बताने के लिए सबसे पहले कुछ नैनो की ब्रेकिंग सिस्टम मैं आपको दिखा भी देता हूं कि भैया ये किस प्रकार से काम करती है, फिर उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके चला के इसको चेक भी किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो टाटा नैनो की जो ब्रेकिंग होती है, ये आप देख पाएंगे इसमें चारों के चारों ही ड्रम दिए जाते हैं। आप देखेंगे पीछे ही आपको ड्रम दिखाई दे रहा होगा, और ठीक इसी प्रकार से ही आगे भी आपको ये इसमें ड्रम ब्रेक्स ही दिखाई देंगी। तो देखिए दूसरी गाड़ी में क्या होता है, आपको मैं दिखा देना चाहता हूं। जैसे कि आप ये कार देख रहे हैं, इसमें आगे की जो ब्रेकिंग होती है वो डिस्क ब्रेक होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपका जो ब्रेक पैड है वो आसानी से दिखाई दे रहा है, और इसमें मैं पीछे की तरफ आपको लेकर के चलूंगा तो यहाँ पर ड्रम ब्रेक है, और इसके अंदर जो होता है ब्रेक पैड नहीं होता, इसके अंदर आपका ब्रेक शू दिया जाता है। तो ये फर्क होता है, क्योंकि ये जो ड्रम ब्रेक होता है इसको क्लीनिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम बार बार इस ब्रेक को दबाते हैं तो फिर ये वाली जो ब्रेक पैड है वो घिसते हैं तो उसका जो पार्टिकल्स है वो उसी के अंदर ही रह जाता है। और इसके बजाय अगर आप देखेंगे ये जो आपका डिस्क ब्रेक होती है, इसमें जो आपका ब्रेक पैड आपको दिखाई देता है जब गाड़ी चलती है, ब्रेकिंग लगती है, तो इसके ब्रेक्स के जो पार्टिकल्स जो घिसते हैं वो यहीं से ही नीचे गिर जाते हैं। और ये जो डिस्क पैड आप देख रहे हैं इसको तो चेंज करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप भी इसको खुद से कर सकते हैं, लेकिन ये जो ड्रम ब्रेकिंग जो होती है, जो हमारे आप देख सकते हैं टाटा नैनो के अंदर ये चारों के चारों ही जो ड्रम आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको इसको निकालना हो, इसको क्लीनिंग करना हो, तो ये आपके आसान नहीं होता है, क्योंकि इसका जो ड्रम है ये आसानी से बाहर नहीं निकलता है। देखिए, जब भी आप कभी अपनी टाटा नैनो की सर्विस कराते हैं तो उस टाइम पर वैसे ये सारी चीज़ें क्लीन हो जाती है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ टाटा नैनो का, आप देख सकते हैं ये आपका इसमें आपको ब्रेक बूस्टर दिखाई दे रहा है, ये इसका ब्रेक बूस्टर है, उसके ठीक आगे आप ये देख सकते हैं मास्टर सिलेंडर लगा हुआ है। तो इससे ब्रेक बूस्टर के अंदर भी एक प्रकार का पिस्टन होता है, जब हम ब्रेक के पैनल को प्रेस करते हैं तो वो यहाँ पर एक प्रेशर देता है, ये आप देख सकते हैं मास्टर सिलेंडर में। तो मास्टर सिलेंडर भी यही काम करता है, आप देख सकते हैं जितना भी इसके अंदर आपको ब्रेक ऑयल दिखाई दे रहा है, इस ब्रेक ऑयल के थ्रू आप देख पाएंगे ये जो आपको पाइपलाइंस जो आपको दिखाई दे रही है, इसी पाइपलाइंस के थ्रू ही हमारी जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो वर्क करती है। जैसे ही ये प्रेशर हमारी ब्रेक आपका जो इसमें आप देख सकते हैं ये जो आपका ड्रम्स जो लगा हुआ है इसके अंदर एक व्हील सिलेंडर लगा होता है, जब वो प्रेशर देता है तो इसके जो ब्रेक शू होते हैं वो फैल जाते हैं, तो उस प्रकार से ये ड्रम पर अपनी पकड़ बना लेते हैं। तो ये जो इस प्रकार से हमारी जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो वर्क करती है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि यार अगर आपका जो ट्रैवल है इस चीज़ का बढ़ जाता है तो आप अब ये चीज़ को कैसे जाने कि जो आपका जो समस्या है टाटा नैनो की ब्रेकिंग सिस्टम में वो क्या आ रही है, क्या इसमें आपका जो ब्रेक पैंडल आपका जो ब्रेक शू है उसमें कोई कमी है, या आपका व्हील सिलेंडर है या उसमें कोई कमी है। तो मैं आपको एक चीज और भी बता देना चाहता हूँ कि जब भी देखिए कभी भी आपकी गाड़ी में अगर व्हील सिलेंडर की कमी जब भी आपकी गाड़ी में निकलेगी तो उस टाइम पर होता क्या है कि आपकी जो लीकेज है वो कहीं ना कहीं लीकेज होना ऑयल की स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब इसके ब्रेक शू को चेक करने के लिए हम नैनो को ड्राइव करके देख लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपकी टाटा नैनो के अंदर किसी भी प्रकार की मास्टर सिलेंडर या फिर व्हील सिलेंडर में कोई समस्या आ जाती है तो उस टाइम पर या जो लीकेज है ब्रेक ऑयल की लीकेज का होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में टाइम टू टाइम आपको जो है ब्रेक ऑयल टॉपअप करना पड़ता है। तो उस टाइम पर सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी की लीकेज को चेक कराना होता है, हो सकता है मास्टर सिलेंडर में कहीं लीकेज हो सकती है किसी ना किसी में, या फिर पाइपलाइंस में कोई लीकेज होगी तो आपको ब्रेक ऑयल टॉपअप करना पड़ता है। क्योंकि देखिए ब्रेक ऑयल जो है अपने आप कभी भी खत्म नहीं होता है, सालों साल तक अगर लीकेज नहीं है आपकी गाड़ी में तो यह सालों साल तक बरकरार ही रहता है। तो देखिए अब ब्रेक शू को चेक करने के लिए थोड़ा सा गाड़ी को ड्राइव कर लेते हैं, ड्राइव करके मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखेंगे जैसे ही मैं अपनी गाड़ी को चलाऊंगा तो अगर मेरी गाड़ी की स्पीड कम है तो
तो देखेंगे जैसे मैंने ब्रेक लगाई एकदम से बिल्कुल एकदम से प्रॉपर काम कर रही है। अगर आपके ब्रेक पैड्स अगर घिस भी चुके हैं तो भी अगर आप कम स्पीड पर ब्रेक लगाएंगे तो वो अच्छा ही वर्क करेगा, आपको रहेगा कि बहुत ही बढ़िया आपकी ब्रेकिंग सिस्टम काम कर रही है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब जैसे ही आपकी गाड़ी की रफ्तार बढ़ती, क्योंकि देखेंगे जैसे ही मैंने अपनी नैनो की रफ्तार बढ़ाई है, मैं ब्रेक को दबाऊंगा तो देखेंगे बिल्कुल एकदम से प्रॉपर मेरी तो ब्रेकिंग सिस्टम ने काम किया। क्योंकि यार मेरा जो अभी जो ब्रेक पैडल का जो ट्रेवल आप देख सकते हैं उतना ज्यादा नहीं है। हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि जब आज से 4.5 साल पहले मैंने इसको लिया था तो ये इससे भी कम था। हाँ लेकिन अब पहले से बढ़ा है, लेकिन अभी भी जो मेरी ब्रेकिंग सिस्टम है वो बहुत बढ़िया प्रकार से काम करती है। तो इस प्रकार से आपने ये चेक करना है, जैसे ही आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी, आप जैसे ही ब्रेक को लगाएंगे तो उस टाइम पर अगर आपकी ब्रेकिंग प्रणाली में थोड़ा सा भी वक्त लेती है गाड़ी आपकी गाड़ी रोकने के अंदर, और साथ ही साथ अगर आपको आगे या पीछे में से कहीं से भी कुछ आवाज सुनाई देती है चूंकि, तो आप मानकर चले कि आपका जो ब्रेक शू है वो घिसना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये एक टिप्स है जिससे आप जो है अपने जो ब्रेक शू की चेकिंग कर सकते हैं। और इसकी चेकिंग के लिए आप देखेंगे हैंड ब्रेक, अब देखेंगे जैसे मैंने हैंड ब्रेक खींचा तो एकदम से गाड़ी मेरी आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टॉप हो गई। क्योंकि आप देख पाएंगे मेरा ये जो हैंड ब्रेक है इसमें भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो देखेंगे ये भी जो इसका भी जो ट्रेवल है बहुत ही कम है। ऐसा नहीं कि इसको बहुत ऊपर तक मुझे प्रेस करना पड़ रहा है, ये भी एकदम से बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। तो इस प्रकार से हैंड ब्रेक जब आप दबाएंगे तो उससे आपको आपको अपनी टाटा नैनो की जो पीछे वाले जो ब्रेक शू है उसका पता चलेगा वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से आगे वाले, क्योंकि अक्सर मोस्टली क्या होता है कि आगे वाले जो ब्रेक शू होते हैं वही ज्यादा घिस जाते हैं। दूसरा आपको एक चीज और भी करनी होती है, क्योंकि कई लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब अपने ड्रम्स को खुलवा करके चेक कराते हैं तो उसमें यह पाया जाता है कि भैया अगर आपका फ्रंट का राइट वाला ज्यादा घिसा है लेफ्ट वाला कम घिसा है तो आप राइट वाले को चेंज करा देते हो, लेफ्ट वाले को चेंज नहीं कराते। तो ऐसा नहीं करना है, आपको दोनों ही बदलवाने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे एक को बदलवा देंगे तो उसके बाद जब आप ब्रेकिंग लगाएंगे तो उस टाइम पर कई लोगों की ये भी शिकायत आती है कि सर बैलेंस आपका एक साइड को जाता है, तो वो इसी वजह से ही आ जाता है क्योंकि एक आपका जो ब्रेक पैड लगा है वो 100% है बचा हुआ, जो दूसरा आपका लगा वो 60% है। तो ऐसे में एक साइड की ब्रेकिंग अच्छी काम करती है दूसरी की कम करती है तो बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस प्रकार से जैसे जब भी आपने कभी ब्रेक शू चेंज कराने हैं अगर आपका एक साइड का खत्म है तो आप दोनों के दोनों ही चेंज कराइए, आगे और पीछे आप दोनों चेक करा सकते हैं। अगर आपके पीछे के सही निकलते हैं थोड़ा आपको लग रहा है कि 70% तक बचे हैं तो आप उनसे भी काम करा निकाल सकते हैं। तो ये वो टेक्निक है जिससे आप पता कर पाएंगे, जैसे अभी आपको मैंने ड्राइव करके बताया है कि कैसे आप ड्राइव करके अपने ब्रेक पैंडल की सिचुएशन या उसकी जो परिस्थिति है उसकी जो कंडीशन है उसको जान पाएंगे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए लाभकारी रहेगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं टाटा नैनो के फिर किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान जय महाकाल।